Sir, welcome back to my channel and I'm back with another vlog. And पहली बार मैं अपने channel पे बहुत ही unique सा concept का एक vlog लेके आई हूँ, जो कि आप सभी के लिए बहुत helpful होने वाला है और हमारे शहर में कुछ नया आ चुका है. So आपने इससे पहले बंदर resort, landmark ऐसे hotels को देखा होगा, आप लोग खुद भी गए होंगे, तो आपने वहाँ के interior को, वहाँ के design को देखा होगा कितनी ज़्यादा beautiful है. But हमें आज तक पता नहीं कि वो किसने बनाया है. So वो बनाया गया है आनंद डिज़ाइन एसोसिएट्स के द्वारा, एंड उन्होंने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट पे काम किया है जिसको आज मैं कवर करने आ गई हूँ. एंड मैं इस वजह से ये वीडियो बना रही हूँ ताकि इन फ्यूचर या फिर आप लोग अपने घर में प्लान कर रहे हैं कुछ नया डिज़ाइन बनाने का, तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है. और आज हम कवर करने आ गए हैं 6 BHK मॉडर्न बंगलो को, जो कि रिसेंटली बना है और आज इसका इनॉग्रेशन है. सो ये यहाँ का पूरा व्यू अभी आप लोग इंजॉय कीजिएगा. एंड आनंद डिज़ाइन एसोसिएट्स का सारा इन्फो, वेबसाइट लिंक, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो जरूर चेकआउट कीजिएगा. एंड चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं. बंगलो के बारे में, ये है 6 BHK मॉडर्न बंगलो. एंड मैंने बताया कि ये सारा कुछ, इसके आर्किटेक्ट, इंटीरियर, सब कुछ डिज़ाइन जो है वो आनंद डिज़ाइन एसोसिएट्स ने कराया है. एंड उसके जो फाउंडर है, उनके जो सारा काम जो होता है वो इंजीनियर सौरभ आनंद के द्वारा होता है. सो यही है, आप भी हाई बोल दिए हमारे चैनल में सबको. एंड या अब हम अंदर चलते हैं. सबसे पहले तो मैं बाहर की बात बताऊँ तो यहाँ पे एक लाइट लगा हुआ है, हाई क्वालिटी एल्युमिनियम से बना हुआ है एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंस है. अब हम अंदर की ओर बढ़ते हैं एंड पूरे इंटीरियर को कवर करते हैं. तो गाइस, बात करिए यहाँ पे एंट्रेंस की, तो आप बाहर में बहुत अच्छा खासा स्पेस आप देख रहे हैं. यहाँ पे ये पूरी जगह को दिखाओ. अभी यहाँ पे वैसे बेड लगा हुआ है, बट ये काफी अच्छा खासा स्पेस है पार्किंग के लिए. यहाँ पे अच्छा खासा एक बड़ा सा SUV फॉर्च्यूनर आप पार्क कर सकते हैं. उसके अलावा यहाँ पे ये एंट्रेंस का रास्ता है, यहाँ पे आप चाहें तो 2-व्हीलर्स लाइक स्कूटी, बाइक है वो भी 2-3 आराम से आ जाएंगे. सो पार्किंग का अच्छा खासा स्पेस है. और हम अंदर की ओर बढ़ते हैं, बस बात करते हैं एंट्रेंस की. तो यहाँ ये वाला एंट्रेंस है और आप देखेंगे बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया है. मैं एक एक डिटेल्स आप लोगों को बताऊंगी. यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 गेट है, एक यहाँ पे है और एक इधर है. सो ये मेन एंट्रेंस है जो कि सीधा घर की तरफ जाता है. बट यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात ये है कि अगर कोई गेस्ट आते हैं और आप चाहते हैं कि थोड़ी प्राइवेसी मेंटेन हो, मेन घर पे ना जाए, तो उनके लिए ये वाला जगह जो है, ये गेस्ट रूम है या लिविंग एरिया बोल सकते हैं. सो ये कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है, ये सेपरेट स्पेस है और उनके लिए ये अलग से, ये पूरी तरह से आप देख सकते हैं. फॉल सीलिंग की बात करूँ तो लाइटिंग ये सब जो भी है वो सारा कुछ फिलिप्स का है. एंड जितनी भी चीज़ उसमें यूज की गई है वो सारा कुछ प्रीमियम क्वालिटी एंड ब्रांडेड चीजें यूज की गई हैं. ये गेस्ट रूम से आप देखेंगे, गेस्ट रूम से उनके लिए सेपरेट यहाँ पे वॉश बेसिन है, यहाँ पे एंड पूरी तरह से बाथरूम सब कुछ आप देख सकते हैं ये दिया गया है. सो गेस्ट के लिए अलग से सेपरेट पूरा बाथरूम का एरिया है. गाइस, हम बढ़ते हैं अब मेन घर की तरफ. सो ये कुछ इस तरह का यहाँ पे गेट है और आप जैसे ही एंटर कीजिएगा तो पूरे वास्तुशास्त्र के हिसाब से यहाँ पे मंदिर बनाया गया है. ये कुछ इस तरह का है. जैसे कि ये मंदिर मैंने दिखाया और ये बहुत कम स्पेस पे बहुत अच्छी तरह से इसको डिजाइन किया गया है. ये हम बात करें तो बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज में ये पूरा मंदिर है. एंड यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ट्रे है जहाँ पे आप अपना थाली या जो भी सामान है वो रख के पूजा कर सकते हैं. ये अलग से एक कंपार्टमेंट है जहाँ पे आप सारी पूजा के सामान रख सकते हैं. और ये सबसे अच्छी बात की कम स्पेस है अगर आपके पास, तो ये इनबिल्ट यहाँ पे टेबल है जिसपे आप निकाल के यहाँ पे बैठ के आराम से पूजा कर सकते हैं. पूजा एरिया से इधर आते हैं तो ये है TV पैनल और आप इसके बैक फिनिश या फिर ये सारा फिनिश देखिएगा तो आपको लगेगा कि ये वुडन फिनिश में है. लाइक ये पूरा वुडन दिखता है और ये मार्बल दिखता है, बट ये मैं बता दूं ग्रीन लैम लैमिनेट्स का है.
सो कोई देख के ये नहीं बोल सकता है कि ये लैमिनेट्स का बना हुआ है, बट या ये पूरा वुडन फिनिश में है एंड ये मार्बल फिनिश में है एंड ग्रीन लैम के लैमिनेट्स बहुत ही लाइक प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं। आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी, और यहाँ पे जितनी भी आप जो भी काम देखेगा जहाँ पे भी लैमिनेट्स यूज हुए हैं वो सारा कुछ ग्रीन लैम लैमिनेट्स का यूज हुआ है। सो गाइस जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे जो भी आपने जो देखा वॉल का फिनिश ये सब जो मैंने बताया ग्रीन लैम लैमिनेट्स की तरफ से है एंड इतनी अच्छी फिनिशिंग में। सो उनके मेंबर्स भी यहाँ पे आए हुए हैं तो हम उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। सर आप दोनों अपने आप का बता दीजिए, आप लोग अपने अपने नाम। मेरा नाम रवि रोशन है, मैं मुजफ्फरपुर टेरिटरी देखता हूँ ग्रीन लैमिनेट में। मेरा नाम कुणाल भारती हुआ, मैं नॉर्थ बिहार देखता हूँ ग्रीन लाइफ ग्राउंड से, ठीक है। और जो सर हमारे सौरभ सर इनके साथ हम काफ़ी मिलकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं, यहाँ भी अपना अच्छा मटेरियल किया है। और ग्रीन प्लाई एक ऐसी ब्रांड है सर जो घर के इन्वायरमेंट के लिहाजे से भी प्लाईवुड बनाती है, जिसमें इनिशियल लेवल जीरो होता है वो भी प्लाईवुड हम लोग देते हैं, जिससे घर के इनर इन्वायरमेंट जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, उससे इनर एयर क्वालिटी जो होती है वो बहुत सही रहती है। इस सब चीज़ को देखते हुए ग्रीन प्लाई और हम लोग जो आर्किटेक्ट एसोसिएशन इनके थ्रू हम लोग बहुत अच्छे घर के लिए एक अच्छे ब्रांड की और अच्छे मतलब सर्विस की सुविधा देते हैं। थैंक यू सो मच। सो गाइस यहाँ पे देखेंगे इसके बाद यहाँ पे ये ओपन रैक है और यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेमलेस ग्लास फिनिश में फ्रेम बनाया गया है, और ये देखिए इस तरह से इसमें कोई ना मतलब हैंडल नहीं लगा हुआ है। सो बजट को ध्यान रखते हुए और ये बहुत ही प्यारा सा सुंदर से डिजाइन में है, और यहाँ पे आप जितनी भी डेकोरेटिव चीजें हैं वो रख सकते हैं। उसके आगे हम इधर देखते हैं, ये पूरा ओपन किचन एरिया है जहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइक कुछ खाना वाना हो तो यहाँ पे टेबल भी लगा हुआ है, चेयर भी लगा हुआ है। एंड उसके बाद हम इसमें आते हैं तो किचन जैसे हमेशा होना चाहिए, स्पेशियस होना चाहिए, काफी अच्छे स्पेस में है। एंड इसकी एक और अच्छी बात बताओ तो इसमें एक प्रॉपर डिजाइन से बनाया गया है। यहाँ पे तीन चीजें किचन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आप खाना कहाँ पे बनाते हैं, आप अपने जो भी यूटेंसिल्स है उसको कहाँ वॉश करते हैं, या फिर आपका फ्रिज। सो ये तीनों को एकदम ध्यान में रख के बनाया गया कि ये तीनों चीजें डिस्टर्ब ना हो आपस में। लाइक अगर कोई खाना बना रहा है यहाँ पे तो ये खाना बनाते समय किसी को वॉश करना है तो वो अलग है यहाँ पे है। एंड अगर मैं बात करूँ फ्रिज की सो ये फ्रिज का एक अलग एरिया है। सो बहुत अच्छा खासा डबल डोर एंड बहुत लंबा अच्छा खासा चौड़ा आप यहाँ पे फ्रिज को अरेंज कर सकते हैं। एंड ये वाला एरिया जो है ये माइक्रोवेव के लिए है ये वाला एरिया, एंड बहुत अच्छा खासा लाइक बहुत कुछ आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने के लिए किचन में अच्छी खासी स्पेस दी गई है। अगर बात करें यहाँ पे किचन की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरे इनबिल्ट यहाँ पे स्टोव है जो कि बहुत ज्यादा क्लीन लगता है एंड बहुत यू नो एक मॉडर्न सा लुक देता है। उसके बाद मैं यहाँ पे बात करूँ चिमनी की तो ये भी फुल्ली ऑटोमेटिक है। अगर मैं बताऊँ तो ये इस तरह से ओपन होता है। सो ये मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा है, बहुत ही यूनिक सा है। सो ये इस तरह से ओपन होता है, उसको बंद करना है तो बस आपको दो बार ऐसे करना है। सो ये इस तरह से क्लोज हो जाएगा। और अब हम चलते हैं वॉश बेसिन की तरफ, तो ये भी आप देखेंगे बहुत ही अच्छा खासा लाइक दो सेक्शंस हैं। सो अच्छा खासा आप एक बार में अपने यूटेंसिल्स को वॉश कर सकते हैं। एंड इसमें जो टैप यूज की गई है ये मोबाइल टैप है, जैसे अगर मैं बताऊँ ये नॉर्मल है। एंड अगर आपको जैसे सिंक को क्लीन करना है या इस तरह से अगर बर्तन को क्लीन करना है सो आप उस तरह से कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो वाटर प्यूरिफायर का भी यहाँ पे है ये, एंड आप देख रहे होंगे कि कहीं पे भी आपको वाटर प्यूरिफायर का मशीन नहीं दिख रहा है, तो वो इसके अंदर में है। एंड यहाँ पे भी आपको कोई हैंडल नहीं दिख रहा है, सो ये इस तरह से ओपन होता है। और ये पूरी तरह से अगर ये बहुत ज्यादा क्लीन लगेगा, लाइक कोई भी अगर आपके किचन में आता है तो ये बहुत ही ज्यादा क्लीन एरिया। हम किचन एरिया से बाहर आ गए और मैं जैसे बात कर रही थी लाइट्स की, तो लाइट्स की बात करें तो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पे जितने भी लाइट्स यूज हुए वो सब फिलिप्स के हुए हैं। सो यहाँ से हमारे साथ एक फिलिप्स के यहाँ पे है और ये हमें यहाँ की जो लाइट्स यहाँ पे लगी हुई है जो इतनी खूबसूरत लग रही है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। सो सर आप कुछ बताइए। नमस्कार सर, मैं एक्चुअली फिलिप्स कंपनी से हूँ। मेरा नाम हरिओम कुमार महाराज हुआ, मैं पूरा नॉर्थ बिहार देखता हूँ। और ये अभी जो अपना लाइटिंग हुआ है फिलिप्स का, वो ऑल ओवर पेंडेंट्स लाइट्स हैं, पैनल लाइट्स हैं और चैंडलियर्स हैं। जनरली जो हम आनंद डिजाइन एसोसिएटेड में जो काम किए हैं उसके अगर अकॉर्डिंगली देखें तो सर जो क्वालिटी को यूज़ करते हैं वो ऑल ओवर प्रीमियम क्वालिटी होता है।
सो गाइज हमने बात तो कर ली, जो भी लाइटनिंग्स लगी हुई है सारे फिलिप्स का है, एंड जैसे उन्होंने बताया कि प्रीमियम क्वालिटी, हाई क्वालिटी एंड एक लग्जीरियस फील देगा आपके घर में। एंड उससे आगे हम ये बढ़ते हैं, तो ये पूरा एरिया जो है डाइनिंग का एरिया है, डाइनिंग का एरिया और लिविंग एरिया। लाइक अगर कोई गेस्ट आते हैं तो वो डाइनिंग एरिया में आना चाहते हैं तो डायरेक्ट गेस्ट रूम से आ सकते हैं। यहाँ पे वॉश मशीन आप देख सकते हैं। इस बात करें, मैंने जैसे बताया था 6 BHK के है, सो यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे आप देखेंगे तो ये वाला जो है ये है पेरेंट रूम, और बहुत ही अच्छा स्पेशियस पेरेंट रूम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छा खासा बेड आ गया है, टेबल आ गया है, एंड उसके साथ ही सेपरेट यहाँ पे वॉशरूम भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया, आप जैसे आते हैं तो हैंड वॉश के लिए है, ये बाथरूम का एरिया हो गया, यहाँ पे ये सब है। सो अच्छा खासा स्पेस है एंड ये सेपरेट पेरेंट रूम के साथ आता है। ग्राउंड फ्लोर हमने कवर कर लिया, अब हम बढ़ते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ में, और आप यहाँ पे देखेंगे जो स्टेयर्स है वो पूरी यू शेप में बना हुआ स्टेयर्स है। सो अब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं वाटर रूम के लिए, वहां से अटैच बाथरूम है, बट अगर आप लिविंग एरिया में है आए हुए हैं तो वो वाले लोग भी यूज कर सकते हैं। तो इसका जो डोर है वो दोनों साइड से ओपन होता है, और ये इसमें जैसे आप लोग को अभी लिविंग एरिया दिखा रही थी, यहाँ पे जो टाइल्स यूज हुए हैं वो सारा कुछ AGL का यूज हुआ है, और यहाँ पे हमारे साथ AGL के मेंबर भी हैं। सो हम उनसे बात करते हैं और इसकी जो खासियत है वो इनसे पता करते हैं। सर वेलकम हमारे चैनल पे, आप अपने आप का इंट्रोडक्शन दे दीजिए थोड़ा सा। नमस्ते, मेरा नाम विक्रम कुमार है, मेरा शॉप का नाम है ब्रिंडमार्ट, जो आपको मुजफ्फरपुर में ब्रह्मपुरा मेन रोड में है। सर कुछ टाइल्स के बारे में बताइए। ये जो टाइल्स लगा हुआ है ये आपको 2x4 का वेट्रीफाइड टाइल्स है, पॉलिश टाइल्स है ये, और इसमें आपको बीच में आपको स्पेसर के साथ लगा हुआ है, और एपॉक्सी आपका इसका आर्डेट एंडोरा कंपनी का लगा हुआ है। इसमें जो एपॉक्सी आप देख रहे हैं वो एपॉक्सी आप इसमें जो लाइटनिंग जब पड़ती है तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिखता है। एंड थैंक यू सर हमारे साथ बात करने के लिए और इतना कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। और फिर गाइज उससे इधर हम बढ़ते हैं तो ये वाला ग्रैंड पेरेंट्स के लिए रूम है, और बहुत अच्छे खासे स्पेस में ये ग्रैंड पेरेंट्स का रूम भी है। एंड इससे यहाँ पे देखें तो ये भी बहुत बाहर का व्यू बहुत अच्छा देता है ये विंडो, एंड बाहर में भी एक स्पेस है, बालकनी है अच्छी सी, जिससे कि आप पूरे बाहर के व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। अभी इतनी अच्छी हवा चल रही है तो इस टाइम में यू नो ग्रैंड पेरेंट्स या फिर आप लोग भी आके आराम से अपना चाय पानी एंजॉय कर सकते हैं। देखेंगे फर्स्ट फ्लोर पे तो यहाँ पे ये मास्टर रूम भी है, जिसका स्पेस आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा खासा है। तो ये डिपेंड करता है कि आप ये किसके लिए रूम रखना चाहते हैं, और इसके साथ भी अटैच्ड बाथरूम है। सो इस बाथरूम की बात करूं तो जैसे ये मास्टर रूम है तो मास्टर बेडरूम, तो उसके हिसाब से इसका जो बाथरूम एरिया भी है बहुत अच्छा खासा है। अगर हम इधर बढ़ते हैं तो ये वाला बाथरूम का एरिया, और यहाँ पे बहुत अच्छा सा बहुत मिरर लगा हुआ है बहुत बड़े साइज में, और इधर में यहाँ पे आए तो ये बाथटब है, वॉश बेसिन है, तो बहुत ही अच्छी खासी है, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से इस बाथरूम को डिजाइन किया गया है। सो गाइस बात कर रहे थे हम लोग लिविंग एरिया की, तो लिविंग एरिया से आप इस साइड देखेंगे सो ये है बाहर जाने का रास्ता, लाइक डबल हाइटेड बालकनी है, और ये इस तरह से इसका पूरा दरवाजा खुलता है जो कि पूरे ग्लास के इसमें है। एंड ये देखेंगे यहाँ से मैं अगर ऊपर तक आपको दिखा दूँ सो ये है डबल हाइटेड बालकनी, और जैसा कि हम स्टार्टिंग से ही बात कर रहे हैं कि आनंद डिजाइन एसोसिएट के द्वारा ये बनाया गया है। सो ये मॉडल है जो मैं अभी पूरे घर को आपको दिखा रही हूँ वो इसी तरह से डिजाइन किया गया, बाहर से देखेंगे तो पूरा यही वाला लुक है। मैं बता रही हूँ ये वाला मॉडल है यही वाला सेम जिस जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, और मैं इसी एरिया पे अभी खड़ी हूँ। ये डबल हाइटेड बालकनी है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये इसी तरह से ये डिजाइन किया जाएगा क्योंकि अभी बहुत सारा काम जो है बचा हुआ है, तो इस तरह से यहाँ पे आप पूरे अच्छे तरह से ये गार्डन एरिया भी इसको बना सकते हैं। और यहाँ से आप देखेंगे गाइस तो यहाँ से आप बाहर का व्यू देख सकते हैं, एंड यहाँ पे छोटा सा जो डॉटर रूम का जो विंडो है वो यहाँ पे है, एंड छोटी सी बालकनी है जहाँ से आप बाहर के व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। गाइस अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर की तरफ, ये भी पूरा यू शेप में बना हुआ स्टेयर्स है, एंड यहाँ से देखेंगे ये ऊपर की तरफ सैंडलर बना हुआ है, लगा हुआ है जो कि फिलिप्स का, ये इतना ब्यूटीफुल, एंड ये पूरा ओपन स्काई लाइक पूरे ग्लास फिनिश में है जिसको हम ऊपर चलने के बाद एक्सप्लेन करेंगे। सो गाइस सेकंड फ्लोर पे आप जैसे ही आएंगे यहाँ पे भी एक रूम है,
या आप या तो गेस्ट रूम बना सकते हैं या अपने फैमिली मेंबर्स, आपकी बड़ी फैमिली है तो उनके लिए रूम हो गया पूरी तरह से। यहाँ से भी एक छोटी सी बालकनी की तरफ हम जा सकते हैं बाहर की ओर, और इस रूम के साथ आपको मिल जाएंगे अटैच्ड बाथरूम पूरा, और अच्छा खासा स्पेशियस है। और ये वाला बाथरूम भी आप देख सकते हैं, बाहर से भी खोल सकते हैं। सो ये इस रूम वाले भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर ये एक और रूम है इधर की तरफ। सब देखेंगे सेकंड फ्लोर से हम लोग चलते हैं ओपन टेरेस की तरफ। बहुत अच्छा सा यू नो पैनल में, ऐसे ग्लास पैनल में पूरा बना हुआ है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे ओपन टेरेस एरिया है जहाँ पे बहुत अच्छे से आप गार्डनिंग कर सकते हैं। अच्छा खासा स्पेस है, इवनिंग का व्यू यहाँ बहुत ही अच्छा आता है। जो सनराइज़ होता है ना, वो मॉर्निंग के टाइम में आप जब सुबह उठिएगा तो जो सनराइज़ यहाँ से होता है वो बहुत ही अच्छा व्यू आता है। और मैं अगर इसके अपोजिट साइड की बात करूँ तो मैंने जो बताया था डबल हाइटेड बालकनी, आप वहाँ से भी इसका व्यू एंजॉय कर सकते हैं। एंड इससे हम देखें तो इसके ऊपर ऊपर में भी एक टेरेस एरिया है जहाँ पूरी गार्डनिंग की गई है। सो अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे एंड ऊपर के व्यू को दिखाते हैं। हमने कवर किया ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, और अब हम आ गए हैं टॉप फ्लोर। मैं नीचे से जब ऊपर आ रही थी तो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि डबल हाइटेड वाला ये जो टेरेस है इसके ऊपर भी एक ग्लास लगा हुआ है। ये इस ग्लास की मैं खासियत बताऊँ तो ये साउंड प्रूफ है, मतलब जितनी भी बारिश हो कुछ भी आए इसका साउंड जो है वो नीचे घर पे बिल्कुल नहीं जाएगा। एंड ये लाइक हीट रेजिस्टेंस है, जो लाइक धूप लगती है तो नीचे में इसकी हीट बिल्कुल भी अब्सॉर्ब नहीं होगी। एंड इस ग्लास की मैं बात करूँ, मैं इसमें चढ़ के भी अगर दिखाऊँ तो ये ब्रेक प्रूफ है, मतलब कि जैसे अगर आप राजगीर अगर गए होंगे तो राजगीर में स्काई वॉक पे जो ग्लास यूज़ किया गया है ये उसी तरह का ग्लास है। सो ये बिल्कुल भी ब्रेक प्रूफ है, कुछ भी हो जाए ये बिल्कुल ब्रेक नहीं होगा। एंड मैंने साउंड प्रूफ बता दिया तो ये इतनी सारी क्वालिटी में है। एंड यहाँ ऊपर से आप नीचे का व्यू देख सकते हैं या फिर नीचे से आप पूरा ऊपर का भी व्यू देख सकते हैं। सो गाइस, मैंने सब कुछ आप लोगों को ऑलमोस्ट इस वीडियो में सब कुछ ए 6 BHK मॉडर्न बंगलो के बारे में बता दिया सारे डिटेल्स। बट जो भी कुछ बचा हुआ है, लाइक कुछ भी बचा हुआ है, सो हमारे साथ अभी सौरभ आनंद जी है तो वो हमें एक्सप्लेन करेंगे। सो प्लीज़ सर हेल्प कीजिए हमें। जैसे इस बिल्डिंग को मैंने पहले डिजाइन किया तो इसमें ये पार्ट अपना ग्राउंड फ्लोर हो गया और ये फर्स्ट फ्लोर हो गया। इसमें मैंने क्या किया कि ये अपना बालकनी किया और इस पार्ट को मैंने डबल हाइटेड किया ताकि ये अपना वेंटिलेशन, और ऊपर से हम नीचे जैसे सेकंड फ्लोर पे जाएंगे तो हम फर्स्ट फ्लोर के बालकनी में देख सकते हैं कि कैसे हम वहाँ सीटिंग कर रहे हैं। और ये पार्ट जो मेरा है ये आर्किटेक्चर का सबसे अच्छा एलिमेंट है ये। और देन इसके बाद मैंने यहाँ पे भी जो सेकंड फ्लोर पे बालकनी बनाया इसको भी मैंने ओपन टू स्काई रखा है, और देन इसके साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया ताकि ये अपना जो पूरे आर्किटेक्चर एलिमेंट है ये पूरे सिमेट्रिकल एलिवेशन का एक अच्छा सा लुक आ रहा है। इस बिल्डिंग को हम लोग जस्ट लाइक मॉडर्न बिल्डिंग भी बोल सकते हैं जो मुजफ्फरपुर में शायद पहला हो मे बी। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम डिजाइन कर देते हैं तो उसको एग्जीक्यूट कैसे कराते हैं, तो एग्जीक्यूट कराने में मुझे मेरी टीम का देन क्लाइंट का भी सहयोग चाहिए होता है ताकि जब साइट पे हम काम कराते हैं तो ऐसा होता है कि डिजाइन चेंज हो जाते हैं क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अनुसार या कुछ ऐसा आ जाता है इसके कारण। लेकिन यहाँ पर जो क्लाइंट थे वो मुझे पूरे फ्रीडम दिए हुए थे ताकि तब जाके ये मेरा पूरे बिल्डिंग ये जैसा मैंने डिजाइन बनाया वो एग्जीक्यूशन पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो पाई है, तो इस कारण से ये। सो सर के कहने का मतलब ये है कि ये जो बिल्डिंग बनी है पूरी के पूरी जिम्मा इनके ऊपर था, इनको इनके लाइक डिज़ाइन से लेके इनके आर्किटेक्चर को लेके इनके इंटीरियर सब कुछ पे इनका खुद का पूरा काम किया गया है। सो अगर गाइज आप लोग भी अगर कुछ इस तरह का घर बनवाना चाहते हैं और आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है उसको डिज़ाइन करने का या उस पर आप आके देख नहीं सकते, सो पूरा जिम्मा आप इन पे छोड़ सकते हैं। सारा डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इनका वेबसाइट सब कुछ रहेगा। सो अगर आप लोग कुछ प्लान कर रहे हैं कुछ मॉडर्न वे में, कुछ डिफरेंट वे में घर डिज़ाइन करने का, कुछ बनवाने का, तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका सारा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर कुछ पूछना है तो हमारे साथ कॉमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।